हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ दसवीं की मैथ प्रश्न आप लेते हैं 3.6 का पहले प्रश्न का आठवां सवाल में कराने जा रहा हूँ। यहाँ दोस्तों आठवां सवाल कराऊंगा, देखने में जितना ये कठिन है करने में आपको उतने ही ज़्यादा आसान और इजी लगने वाला है। इसमें क्या पूछा गया दोस्तों कि निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। यानी कि यह समीकरण दिया गया और ये दूसरा समीकरण दिया गया है, इन दोनों समीकरणों को आपको क्या करना है, एक रैखिक समीकरण में और एक रैखिक समीकरण में बदलना है। तो वो किस तरीके से बदला जाता है सामने देखेंगे दोस्तों। ये जैसा है वैसा जो करते हम यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि 1/3x प्लस का वाई लिखा जाएगा प्लस में, फिर 1/3x माइनस का वाई लिखा जाएगा, प्रारंभ में कितना हो जाएगा 3/4। ठीक है दोस्तों, फिर आपको क्या करना है यहाँ पर, ये तो समीकरण दिया गया है तो इसमें हम एक काम करेंगे, वो काम ये है दोस्तों कि 1/3x प्लस का वाई लिखेंगे, फिर उसके बाद माइनस का 1/2 और 3x माइनस का वाई लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद ये काम करने के बाद ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बस आपको ध्यान देना है। यहाँ पर आपको क्या देना है कि देखिए ये 8 है तो मैं इस 8 को 2×4 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, हाँ या ना बोलिए। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, तो इस समीकरण को मैं 2×4 यहाँ पर लिखूंगा, यानी कि 2×4 चाहे इस तरीके से लिखिए चाहे तो इस तरीके से लिखिए। अब आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों किया गया है। देखिए दोस्तों, इस पूरे समीकरण को देखेंगे और इस पूरे समीकरण को देखिए, क्या ये दोनों एक जैसे हैं, तो बिल्कुल एक जैसे हैं। क्या ये दो और ये दोनों क्या एक ही जैसे हैं, ये दोनों बिल्कुल क्या दोनों एक ही जैसे हैं। ठीक है, तो मैंने भी क्या कर दिया, अगर इसका हर 4 है, अगर नीचे हर इसका हर इसका हर इसका हर, ठीक है ना, ये सभी के सभी नीचे जो है दोस्तों वो बराबर है बट्टे में। ठीक है, तो मैंने भी क्या कर दिया, इसके बट्टे में अगर 4 है तो इसके बट्टे में मैंने यहाँ पे 4 लाने की कोशिश करिए, जो 8 के टुकड़े करने पे हुआ, यानी कि गुणनखंड करने से हुआ है। अब आपको क्या करना है कि अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस दोनों समीकरण को एक जैसे करने के लिए मैं इसको इससे काट दूंगा, इससे ये कटेगा और इससे ये कटेगा। ठीक दोस्तों, अब आपके मन में एक और सवाल उठ रहा होगा कि किस तरीके से काटा गया वो हमें बताइए, क्योंकि आप अपनी मर्जी से तो कुछ भी काट देते हैं, आपको आता है तो क्या कुछ भी काट देंगे। देखिए ऐसा नहीं दोस्तों, मैं आपको समझा देता हूँ, चलिए इसको समझते हैं। मैंने यहाँ पर क्या देखा कि 1/3x प्लस का वाई था, ठीक है बिल्कुल सही है, फिर उसके बाद यहाँ पे 1/3x माइनस का वाई लिया मैंने, ठीक है, फिर उसके बाद 1 फिर 2, ठीक है यहाँ पे मैंने सिर्फ 4 लिया। अब देखिए ये जो 2 और जो 2 है ना दोस्तों, और ये जो 2 है इसको मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया, ठीक है, क्या लिया दोस्तों, इसको मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, यानी कि 2 इसमें भी था 2 इसमें भी था, इसलिए मैंने 2 को कॉमन ले लिया था। ठीक है दोस्तों, अब एक बात बताइए कि अगर ये गुना में है, ये भाग में दोस्तों, तो उधर जाएगा गुना में कि नहीं जाएगा, है ना बोलिए, बस इतने काम करना आपको कुछ नहीं। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता था 3x + y, ठीक है ना, माइनस का 1/3x माइनस का वाई, ठीक है, फिर 1/4, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 8 था तो मैंने 8 लिखता यहाँ पर, ठीक है 8 लिखता, फिर ये भाग में था दोस्तों तो ये क्या आ जाता, इधर गुने में आ जाता, फिर 2 के टेबल 4 बार में कट जाता, तो मेरे पास 3x + y, फिर 1, ठीक है क्या बचता मेरे पास 3x - y और 1/2 क्या बचता मेरे पास 1/4 यहाँ पर बचता, तो इसीलिए मैंने सीधे क्या कर दिया 2 और 2 2 से काट दिया। क्या अभी भी आपको कोई दिक्कत है दोस्तों, अगर दिक्कत नहीं है तो स्माइल करिए और सामने देखिए बोर्ड की तरफ, ठीक है, तब हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हमें सिर्फ, ठीक है, अब हमें सिर्फ आंसर लिखना है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे काट के मैंने यहाँ पे लिखा, यानी कि आपको सिर्फ ये लिखना है, ठीक है, तो मैं बाकी चीज़ों को मैं मिटा देता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/3x + y, ठीक है दोस्तों, फिर माइनस का क्या हो जाएगा, ठीक है 1/3x - y, ठीक है, उसके बाद 1/4, ठीक है माइनस का, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया कि 2 और 2 क्यों कटा गया और हमारे पास आंसर ये वाला क्यों आया। अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है कि अब हमें मान के चलना है, ठीक है, क्या मान के चलना है कि माना कि, ठीक है 1/3x + y ये वाला, इसको हमने u मान के चलेंगे, ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक है, और 1/3x - y को, ठीक है, हम क्या मान के चलेंगे, इसको मान के चलेंगे भी, ठीक है दोस्तों। तो यानी कि ये समीकरण हो गया u, ठीक है, इधर वाला u हो गया और ये क्या हो गया भी, ठीक है दोस्तों। तो अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे दोबारा फिर से सॉल्व करना है, यानी कि पूरा समीकरण लिखेंगे, वो हमें क्या लिखना है कि 1 और 2 पूरा का पूरा, यानी कि आप इस तरीके लिख दें, क्योंकि आपने इसको पूरा u मान लिया है तो हम यहाँ पर u लिखेंगे, ठीक है, फिर प्लस का निशान, फिर इस पूरे को आपने क्या माना है भी माना है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ठीक है भी लिखेंगे, अब बराबर में कितना लिखेंगे 3/4, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, अगर आपको समझ में आ रहा है ना तो बिल्कुल लाइक करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम ऐसे लिखेंगे, एक नहीं, इस पूरे को हमने यू माना तो यू लिखेंगे, फिर माइनस का निशान है, फिर इस पूरे को हमने क्या माना है भी माना तो भी लिखेंगे, अब बराबर में कितना हो जाएगा माइनस का 1/4,
ठीक है दोस्तों, तो माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/4। अब आपको क्या करना है, इस पूरे जो डिजिट है दोस्तों यानी कि चार जो भाग में उसको गुना करना है इस तरफ, यानी कि 4 यू प्लस का भी, ठीक है, बराबर में कितना हो जाएगा 3। ठीक है, फिर इधर भी वैसे ही करना है 4, क्योंकि भाग में तो इधर गुने में आ जाएगा, दोनों से गुना हो जाएगा यू माइनस का भी, ठीक है, और हो जाएगा माइनस का 1। तो 4 को यू से गुना करेंगे तो 4 यू हो जाएगा, 4 को भी से गुना करेंगे तो 4 भी हो जाएगा, अब बराबर में कितना हो जाएगा 3। ठीक है दोस्तों, ये समीकरण कौन सा हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, ये हो जाएगा तीसरा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, 4 को यू से गुना करेंगे तो 4 यू आ जाएगा, और 4 को भी से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 का भी हो जाएगा, 4 भी, और उसके बाद माइनस का 1 का 1, ये हो जाएगा समीकरण कौन सा होगा दोस्तों, ये हो जाएगा चौथा। ठीक है ना, तो एक एक समीकरण ध्यान से रखिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा हो यहाँ तक। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है ना, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस आपको वीडियो देखते रहना, वीडियो देखते रहिए तब समझ में आएगा आखिरकार हो क्या रहा है। अभी अपना दिमाग नहीं लगाइएगा, ठीक है, पहले इसको हो जाने दीजिए। ठीक है, अब आप देखते रहिए क्या गलती हो रही है, ठीक है, और क्या सही हो रहा है, तभी आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है कि ना तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, ना तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर सकता हूँ, तो मैं एक काम कर सकता हूँ। वो काम क्या है कि इस पूरे समीकरण में से इसको मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, इस पूरे समीकरण को इसमें से क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि समीकरण, ठीक है, समीकरण, ठीक है, 3 में से, ठीक है, 4 को, 4 को घटाने पर, ठीक है, 4 को घटाने पर, तो समीकरण 3 कौन सा ये रहा, 4 यू प्लस का 4 भी और बराबर में 3, और दूसरा कौन सा दोस्तों, ठीक है, 4 यू माइनस का 4 भी और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस का 1, ठीक है, माइनस का 1। ठीक है, अभी दोनों समीकरण हो चुके हैं, निशान को बदल दीजिए। निशान बदलने का मतलब ये कह रहे हैं दोस्तों, क्योंकि घाटा जब भी माइनस करते हैं तो निशान बदला जाता है। ये प्लस है तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक है दोस्तों, तो मैंने यहाँ पे काम किया कि 4 यू से 4 यू कट जाएगा, और उसके बाद 4 और 4 यानी कि प्लस, और ये प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों, प्लस, और प्लस का निशान हो तो यहाँ पे क्या किया जाता है, प्लस किया जाता है। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत अच्छे आपने सही बताया। तो 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8 भी हो जाएगा, ठीक है, और ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो भी को ये लिखेंगे और ये हो जाएगा 4, क्योंकि 8 दो दोस्तों ये गुना में तो नीचे आ जाएगा भाग में, तो भी का मान कितना है मेरे पास, 4 एकम 4 और 4 दोनों कितना हो गया 8, यानी कि 1/2 कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो देखा आपने कितनी शानदार तरीके से आपके सामने आंसर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आंसर अभी हमारा बाकी है, असली जो जंग है दोस्तों अभी बाकी है। अभी तो सिर्फ हम हथियार जमा कर रहे हैं, और मैदान जंग में अभी जाना तो अभी बाकी है। ठीक है दोस्तों, तब हम क्या करेंगे यहाँ पर, जो समीकरण हमारे पास जो घटाने पे, दोनों समीकरण को घटाने पे जो भी आया, इस भी का मान आपको क्या रखना है, समीकरण 4 में रख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि, ठीक है, भी का मान, ठीक है, भी का मान, ठीक है, भी का मान समीकरण, ठीक है, 4 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण भी का मान 4 में रखेंगे तो कौन सा दोस्तों, 4 यू माइनस का 4 भी बराबर में कितना हो जाएगा, माइनस का 1। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, 4 यू लिखेंगे और 4, अब भी की जगह कितना लिखेंगे, 1/2, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/2, अब बराबर में कितना बचेगा, माइनस का 1। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 4 यू हो जाएगा और 2 के टोटल में 4 कट जाएगा, माइनस का 2 बार में, तो यहाँ पे कितने, 2 बार में कट जाएगा दोस्तों, कितना होगा, 2 के टोटल में 4 कटेगा 2 बार में, तो माइनस का 2 बचेगा, 2 एकम यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ठीक है, 4 यू माइनस का 1, क्योंकि माइनस है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्लस का 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 यू, अब ये माइनस प्लस क्या होता है दोस्तों, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, यानी कि 2 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बचेगा 1। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हमें एक काम करना है, वो काम क्या है दोस्तों, यू को इधर ही लिखेंगे, ये 1 हो जाएगा, क्योंकि गुना में तो नहीं चाहता भाग में, तो यू का मान कितना आ गया दोस्तों, यू का मान हो गया 1/4। ठीक है ना, यू का मान कितना आ गया दोस्तों, 1/4 आ गया। तो अब बताइए क्या ये आंसर है दोस्तों, तो नहीं, ये भी आंसर नहीं है। तो आप सोच रहे होंगे कि सर आप क्या कर रहे हैं, अभी तो आप कह रहे थे इतना आसान है, तो ये इतना लेंथी कैसे हो रहा है। देखिए दोस्तों, अगर कोई चीज़ समझ नहीं है ना, तो आपको कुछ नहीं करना, बस मन को शांत रखना है, तभी आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर कर पाएंगे। जो इस चीज़ को देख कर भाग जाएंगे, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते कि पास होने के और अच्छे नंबर लाने के। बस आप समझते जाइए, एक एक स्टेप को समझते जाइए। अब आपको क्या करना है कि भी कमान 1/2 आए और यू कमान 1/4 आए,
तो अब आपको क्या करना है, ये आपने जो इसको पूरा यू माना था वो, और आपने इसको भी माना था वो, यानी कि दोनों को यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं कि अब, ठीक है ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो करने वाले ये है दोस्तों कि यानी कि एक बटे, ठीक है, एक बटे तीन एक्स प्लस का वाई को आपने क्या माना था, यू, ठीक है दोस्तों। तब हम क्या करेंगे कि एक बटे तीन एक्स प्लस का वाई और यू का मान कितना आ गया, एक बटे चार, यहाँ पर लिखेंगे एक बटे चार। तब इसको गुना इससे कर देंगे और इस पूरे का गुना उससे कर देंगे, तो इसको जब इससे गुना करेंगे तो चार एकम चार हो जाएगा और ये पूरा का पूरा उधर गुना हो जाएगा, तो कितनी बार बचेगा, तीन एक्स प्लस का चार, ठीक है ना, नहीं तीन एक्स प्लस का वाई बचेगा। अभी आपके पास जो समीकरण है दोस्तों, ये तीसरा है ये चौथा है, ठीक है, तो ये आपके पास कौन सा समीकरण हो जाएगा, ये हो जाएगा पाँचवा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि आपने एक बटे तीन एक्स माइनस वाई को आपने क्या माना था, ठीक है, इसको क्या माना था, आपने भी माना था, तो एक लिखेंगे तीन एक्स लिखेंगे माइनस का वाई, ठीक है, सही से लिख लेते हैं, तो एक तीन एक्स हो जाएगा दोस्तों प्लस माइनस का वाई, और भी की जगह कितना लिखेंगे, एक एक बटे दो, ठीक है दोस्तों, एक बटे दो लिखेंगे। अब ये इस तरफ आ जाएगा क्योंकि भाग में तो इधर गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दो और पूरा उधर गुना हो जाएगा, तो कितनी बार बचेगा, तीन एक्स माइनस का वाई, और ये समीकरण क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका छठा, ठीक है। अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है क्योंकि अब हम बिल्कुल उत्तर के बिल्कुल करीब है दोस्तों, ठीक है। अब आपको आपको क्या करना है, इस समीकरण को इस समीकरण से को जोड़ देना, यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं कि समीकरण, ठीक है समीकरण, ठीक है ऊपर से लिख दे, ठीक है समीकरण, ठीक है ना, कितने पाँच, ठीक है, और ठीक है छः को, ठीक है जोड़ने पर, ठीक है ना, दोनों समीकरण को जोड़ देंगे। तो हम क्या करेंगे, समीकरण कौन सा दोस्तों, ये वाला, तो क्या है चार बराबर में तीन एक्स प्लस का वाई, और दूसरा समीकरण कौन सा दोस्तों, यानी कि पाँचवा ये रहा छठा ये रहा, तो दो एक दो है बराबर में तीन एक्स माइनस का हो जाएगा वाई, तो जोड़ेंगे तो अब कभी भी समीकरण को जोड़ा जाएगा तो निशान नहीं बदला जाएगा, लेकिन समीकरण को घटाया जाएगा, ठीक है दोस्तों घटाया जाएगा, तो हम क्या करेंगे निशान बदला जाएगा, यानी कि माइनस है तो माइनस ही रहेगा, प्लस है तो प्लस ही रहेगा। अब चार और दो कितना हो जाएगा, छः हो जाएगा, और तीन और तीन कितना हो जाएगा, छः एक्स हो जाएगा, और ये प्लस और ये माइनस ये दोनों कट जाएगा, तो यहाँ पर छः लिखेंगे क्योंकि ये गुना में तो नीचे आ जाएगा भाग में, और एक्स का मान कितना आ गया, एक आ गया, छः कम छः, तो एक्स का मान कितना आ गया दोस्तों, एक आ गया, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत आसानी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब आपको क्या करना है, इस एक्स का मान समीकरण किस में रख दीजिए, छः में रख दीजिए, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिख सकते हैं कि एक्स का मान, ठीक है समीकरण, ठीक है छः में रखने पर, ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं है कि आंसर इतना बड़ा आ रहा है, बिल्कुल नहीं घबराना है। आप ये मान के चले कि कम से कम कुछ तो हमें आ रहा है, कुछ तो हम सीख रहे हैं, बस सीखने के लिए पढ़िए, ठीक है दोस्तों, खाली फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए नहीं पढ़िए, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि समीकरण का जो एक्स है दोस्तों, एक्स का मान समीकरण छः में रख देंगे या पाँच में रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो छः कौन सा है, दो बराबर तीन एक्स माइनस का वाई, यहाँ पर दो लिखेंगे, तीन लिखेंगे, और एक्स की जगह कितना लिखेंगे, एक, ये हो जाएगा माइनस का वाई, तो दो लिखेंगे, तीन एकम कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा दोस्तों, और ये हो जाएगा माइनस का वाई। अब आपको पता है कि प्लस है तो ये इस तरफ आ जाएगा, तो माइनस का कितना हो जाएगा, ये तीन हो जाएगा, और ये बचेगा माइनस का वाई, तो कोई निशान नहीं होता था प्लस का होता है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, कोई निशान नहीं होता था किसका होता है, प्लस का होता है, ठीक है। अभी प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, तो तीन में से दो जाएगा तो माइनस का एक बचेगा, और ये है दोस्तों माइनस का वाई, तो ये माइनस कट जाएगा, तो एक बचा इधर मेरे पास, और इधर क्या बचा, वाई, तो वाई का मान कितना है दोस्तों, तो वाई का मान हमारा आ गया एक। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अब आंसर यहाँ भी नहीं है, तो देखिए दोस्तों आप बिल्कुल खुश हो जाइए क्योंकि आंसर जो हमारा निकल चुका है, आंसर जो हमारा एक जो निकला है वो एक्स का मान एक निकला है, और दूसरा जो आंसर निकला है वो एक्स का मान हमारा, ठीक है, क्या निकला, एक्स का मान एक निकला, तो दूसरा भी एक ही निकला है, वाई का मान एक, यानी कि हम एक्स का मान निकालना था और वाई का मान निकालना था, और दोनों हमारा आंसर क्या निकला, एक ही निकला है, ठीक है दोस्तों, एक और एक, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल के साथ बने रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ओके नमस्ते एंड बाय।